एक हफ्ते में ही लगभग 7 तीरों को कुत्तों ने मार दिया था। ये जानवर घायल होने के बाद मर क्यों रहे हैं? एक्सपर्ट सहरा ली तो उन्होंने बताया कि ये बड़े नाजुक हृदय के होते हैं, कुत्तों के चपेट मारने के बाद ही बचते नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है हमारे शो द लाइफ जर्नी। मैं आपका अपना कुलदीप कंबोज। जैसा कि आपको पता है, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस शो में कुछ खास लोगों से जिन्होंने समाज में कुछ बड़ा काम किया। तो ऐसे ही महान शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है श्री विनोद कड़वासरा। वो एक वन्य जीव प्रेमी हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जानवरों की सुरक्षा के लिए बिताई। हालांकि वह घर पे कम रहते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री विनोद कड़वासरा जी से। जी को नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं विनोद कड़वासरा, गांव बड़ोत्तर, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से। और जैसे कि सर ने बताया, कुलदीप जी ने, कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लगा हुआ हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इनको फोटो के बजाय धरती पर भी देख पाएं। लगभग 10 साल हो गए मुझे, और इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी, लेकिन अच्छे तरीके शुरुआत 2012 से हो पाई थी। 2005 में मैं टीचर लग गया था काजलेड़ी गांव, जो पास में पड़ता है, और मेरे घर से जो स्कूल का रास्ता है वो वन्य जीवों के इलाके से होके गुजरता है। 2009 में मैंने ये सुना कि सरकार ने इस इलाके को कॉलोनी के लिए एक्वायर कर लिया, तो मुझे चिंता हुई कि ये जो यहाँ पर काले हिरणिया और वन्य जीव रहते हैं काफ़ी संख्या में, वो कहाँ जाएंगे। तो उस चिंता के मद्देनज़र मैंने कोई मदद मांगी, मेनका गांधी को मेल करी, उनसे कुछ एक बार मदद आई। फिर 2012 में हमें ये पता लगा कि जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है, जो ये जिन्होंने ये ज़मीन एक्वायर करी है, उनको काले हिरणों यानी शेड्यूल वन स्पीशीज का कंजर्वेशन प्लान बनाना है, संरक्षण योजना बनानी है। तो उस योजना बनाने से पहले उन्होंने वहाँ पर कुछ फेंसिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, और कुछ गार्ड हट बना दी, पिलर बनाने की फैक्ट्री वहाँ लगा ली। तो हमने मेमोरेंडम दिए DC को और को, कि ये पहले इनको एक प्रोसेसर अपनाना है, उस प्रोसेसर को अपना के फिर ही आगे मूव करें। तो सबसे पहले दोनों ने यही बात था कि ये एक हैबिटेट हमें बचाना है, और यहाँ पर जो स्पीसीज है, दुर्लभ जानवर है, उनको लंबे समय तक बचाए रखने के लिए कुछ प्रयास करने। तो उन्होंने फेंसिंग करी, उस फेंसिंग की वजह से एक हफ्ते में ही लगभग 7 तीरों को कुत्तों ने मार दिया था, जो मेरे जीवन में बड़ा दुखदायी घटना था। और उसमें एक दिन में 3 हिरण मरे थे, और हम लोगों ने, समाज के लोगों ने, बिश्नोई समाज ने इकट्ठे होकर इसके लिए एक एजिटेशन यानी एक धरना प्रदर्शन किया कि पहले हिरणों को बचाया जाए। तो शुरुआत जैसे आप पूछ रहे थे कैसे हुई, कि जैसे मैं बिश्नोई समाज से हूँ, और गुरु महाराज जो गुरु जम्बेश्वर भगवान जी है, उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए हमारा ये मूल दायित्व था, और हमारे अंदर भावना शुरू से ही है कि जीवों को बचाया जाए। तो उस भावना के मद्देनज़र हमने ये सोचा कि ये जो यहाँ पर हिरण है बड़ोपल गांव में, ये मारे जा रहे हैं, इनके लिए कुछ किया जाए। तो NGT में हमने एक अपील डाली थी, जैसे हिरण मरे थे उसी दौरान, कि ये तुरंत इस पर स्टे किया जाए फेंसिंग पे, और इन हिरणों के बचाव के लिए एक योजना बनाई जाए। ये जुलाई 2013 की बात है, NGT ने हमारी अपील को स्वीकार करके इस पर स्टे जारी कर दी थी फेंसिंग पे। और जो एक देहरादून से टीम आई थी यहाँ पर इनके कंजर्वेशन प्लान बनाने के लिए, उन्होंने इस एरिया को संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित कर दिया, रिकमेंड कर दिया कि ये कंजर्वेशन एरिया बनना चाहिए। उसके बाद NGT में हमने कहा कि ये देखो इतना शानदार इलाका है, और इस इलाके को जो एक्सपर्ट टीम है देहरादून से, वैज्ञानिक आए हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान के, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि ये रिजर्व होना चाहिए। तो NGT ने मंत्रालय को आदेश दिए कि आप इस न्यूक्लियर प्लांट को मंजूरी देने या ना देने के लिए जो भी आप अगली मीटिंग बुलाओगे, उस मीटिंग में उनको बुला के सुना जाए। तो उन्होंने नवम्बर 2019 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने हमें मौका दिया, लेटर लिख के बुलाया। तो हम वहाँ पर उपस्थित हुए, 2-3 लोग गए, हमने अपना पक्ष रखा, उन जानवरों का पक्ष रखा वहाँ पे। तो न्यूक्लियर प्लांट को जो पर्यावरण मंजूरी मिली थी 27 दिसंबर 2013 को, उसमें पर्यावरण मंत्रालय ने विशेष शर्तें लगा दी कि आप कुछ कंडीशन वन्य जीवों के हिसाब से लगा दी। तो उसके बाद हमारा मसला बढ़ा कि ये उम्मीद है कि ये इलाका रिजर्व हो जाएगा। अब कितने हिरण हैं वहाँ पे? 2013 में लगभग 300 के आसपास हिरण थे वहाँ पे। उसके बाद कुछ अलग अलग रुचि के लोग थे, उन्होंने अलग अलग प्रैक्टिस करी,
कुछ हिरण काफ़ी कम हो गए थे। 2017 में किसी पुलिस अधिकारी ने रुचि ली यहाँ पे और उन्होंने सेफ्टी के लिए पुलिस को नियमित गश्त के आदेश दिए, हम भी रेगुलर जाते रहे, तो 90 संख्या थी, 90 से बढ़ के 2017 से अभी कुछ 150 के आसपास संख्या हो चुकी है। उसके बाद जैसे ये इलाके में हमने काम शुरू करा 2013-14 में, तो अलग अलग इलाकों से जो आसपास के गांव है वहाँ से लोगों के फ़ोन मेरे पास आने शुरू हो गए कि आप जीव रक्षा वाले बोल रहे हो या जीव रक्षा के कार्यकर्ता हो, आप आइए हमारे यहाँ, नीलगाय घायल है, हिरण घायल है। तो मैंने वहाँ ये देखा कि अधिकतर लोग उसको हैंडल भी ढंग से नहीं कर रहे थे, कोई घायल जीव है उसको पकड़ रहे थे, पकड़ने का तरीका ठीक नहीं था और गाड़ी में डालने का तरीका ठीक नहीं था। तो मुझे चिंता हुई कि जो यूँ कट रहे हैं जैसे ब्लेड वाले तारों से कट रहे थे उस समय काफ़ी, तो इसे कट गया तो ये क्या आगे जाके बचेगा। तो मैंने RTI से सूचना ली कि इन सालों में कितने जानवर घायल हमें मिले और उनमें से कितने बाल हो पाए, यानी जनरल में ऑफिस छोड़े गए। वो आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला था कि महज 2-4% ऐसे जानवर थे जो घायल होने के बाद ट्रीटमेंट सेंटर में इशारे जाने के बाद बच रहे थे। तो मैंने उसमें अलग एंगल से सोचा कि ये जानवर घायल होने के बाद मर क्यों रहे हैं। तो एक्सपर्ट से राय ली तो उन्होंने बताया कि ये बड़े नाजुक हृदय के होते हैं और पकड़ने के बाद कुत्तों के चपेट मारने के बाद ही बचते नहीं हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर वाइल्ड लाइफ अगर बचाना है तो ये घायल ही ना हो तो बचेंगे, घायल होने के बाद तो कोई चांस नहीं बचने का। तो मैंने मेरा उद्देश्य ये फिक्स किया कि जो समस्याएं हैं उनको कम किया जाए और फिर भी घायल हो तो कोई अलग इलाज अलग तरीका वो ढूंढा जाए। तो 2014 में पहली बार DC DK बैरा जीते, उनको मैंने कुछ हिरणों के फोटो दिखाए, मरे हिरणों के जो ब्लेड तार से कटे थे नीलगाय के दिखाए, तो उन्होंने एक्शन लिया और वो ब्लेड तार बैन कर दिए। फिर हमने जितने किसान जिनके तार लगे हुए थे कुछ डिपार्टमेंट को ड्यूटी लगवाया, कुछ हमने खुद बताया उनके नाम और उनको नोटिस करवा के 3 बार नोटिस करवाया यहाँ फतेहाबाद जिले में 2014 में 2016 में 2017 में 3 बार नोटिस करके फतेहाबाद जिले से वो ब्लेड वाले तार रखा ताकि जानवर घायल ना हो। उसके बाद जो कुत्तों की समस्या थी उसके लिए मेनका गांधी जी से बात करी, उन्होंने एक बार टीम पहले भेजी थी, 2016 में एक टीम दोबारा भेजी कुछ महीनों के लिए, उन्होंने काफ़ी कुत्तों का बद्यीकरण करा लेकिन उसका आउटपुट इतना नहीं आ पाया क्योंकि वो टीम कुछ समय के लिए आती है और गांव से ही जो कुत्ते होते हैं उनको पकड़ के अपना टारगेट पूरा करके वापस चले गए। तब हमारे मन में आया कि इन कुत्तों का नियमित बद्यीकरण चलना चाहिए ताकि आने वाले समय में इनकी पॉपुलेशन घट सके और कुछ सकारात्मक परिणाम आ सके। तो 2016 से हम लगे थे कि एक ट्रीटमेंट सेंटर बनाया जाए क्योंकि दो समस्याएं मेन थी, एक ब्लड तार है एक कुत्ते, उनकी समस्या हल करने के बाद अगर फिर भी लोगों को कोई घायल जानवर मिले तो उसके लिए क्या किया जाए। तो वो ये था कि या तो उस घायल जानवर के पास चिकित्सा सुविधा पहुँचे, डॉक्टर पहुँचे, या उस घायल जानवर को डॉक्टर के पास लाए जाए। तो हमने हरियाणा में पहली बार एक वन्य जीवों के रेस्क्यू के लिए एक एम्बुलेंस का व्यवस्था की, एक कथा करी थी नानडोली गाँव में, वहाँ दान्य सदनों से दान लेकर एक एम्बुलेंस लेके आए थे। अब उस एम्बुलेंस को लाने के बाद अगली समस्या हमारे पास ये आई कि लोग उन पशुओं को हमारे को सौंप देंगे, लदवा देंगे गाड़ी में, लेकिन उनको रखने की जब तक वो ठीक ना हो, चाहे उसको 1 महीना रखना पड़े, चाहे 2 महीने रखना पड़े, चाहे 2 दिन रखना पड़े, कोई ऐसी व्यवस्था इलाके में थी नहीं। ज़्यादातर पशुओं को हिसार ले जाया जाता है ट्रीटमेंट सेंटर में, वहाँ वन्य प्राणी विभाग के पास कोई चिकित्सक नहीं है और वो चिकित्सक पशुपालन विभाग का आता था, उसकी डेपुटेशन थी, वो कभी आते कभी नहीं आते, यानी समय पर जानवरों की देखभाल नहीं हो पाती थी। तब हमने अगला टारगेट लिया कि एम्बुलेंस से जो जानवर हम लेके आते हैं, किसी जीव प्रेमी आदमी ने हमें वो सौंपा है, तो उसको हम ठीक करके वापस दें तो कुछ आउटपुट आएगी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है कि उनको जानवर को हम गाड़ी में ला देंगे, उससे सदमे में जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, या तो उसको वहीं छोड़ा जाए। तो 2016 से हमने समाज से बात करी, हिसार में मीटिंग हुई थी, उसमें 1-2 साल तक समाज निर्णय नहीं ले पाया कि हम कैसे बनाएंगे क्या करेंगे और उसमें बजट भी काफ़ी चाहिए था। तो फिर उसके बाद हमने वन्य प्राणी विभाग से बात करी, उनके पास भी कोई बजट की व्यवस्था नहीं थी। तो पशुपालन विभाग में एक संस्था है पशु क्रूरता निवारण समिति, उसके अधीन जानवरों का जो घायल जानवर है उनको रखने की व्यवस्था की जा सकती है और कुत्तों का बद्यीकरण भी चलाया जा सकता है कार्यक्रम। तो हमने DC साहब से बात करी, पशुपालन विभाग से बात करी और गाँव के सरपंच से भी बात करी और गाँव के सरपंच ने, जैसे वो हमेशा ही हमें मदद करते आते हैं, इस ट्रीटमेंट सेंटर के लिए 4 एकड़ जमीन यानी 31 कनाल जमीन देने की घोषणा कर दी, प्रस्ताव दे दिया, पूरा प्रपोजल सरकार के पास गया हुआ था जिस पर कुछ त्रुटियां थी उन पर ऑब्जेक्शन लग के भी आया हुआ था। तो वो दूर करके हम ये चाह रहे हैं कि बड़ोपड़ गांव में 4 एकड़ में एक वन्य जीवों का 24 आवर जहाँ सुविधा हो वो ट्रीटमेंट सेंटर हम खोल लेते आने वाले समय में खोलने के लिए प्रयास कर रहे।
उस ट्रीटमेंट सेंटर में जो भी घायल जानवर होगा, जिस प्रकार का होगा, पशु पक्षी सबका इलाज किया जाएगा और जो ठीक होंगे उनको वापस इलाके में छोड़ा जाएगा। और जो समस्याएं हैं जैसे कुत्तों का बधिया करना, वो नियमित रूप से चलेगा। और कुछ और समस्याएं जैसे जो बंदरों की समस्या है, तो हम ये सोच रहे हैं कि जो आदमियों की समस्या है उन पर भी गौर किया जाए जानवरों को बचाने के साथ साथ। तो जो हम कैचिंग टीम तैयार करेंगे जो कुत्तों को कैच करेगी और बधियाकरण करके वापस छोड़ेगी, वो कैचिंग टीम जब खाली होगी तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो बंदर वगैरह है उनको भी पकड़ के जंगलों में छोड़ा जाए। तो सर आप, मेरे को लगता है कि अपनी लाइफ का दिन के 12 घंटे में से 10 घंटे आप उधर ही देते हैं, तो आपके फैमिली में सभी आपकी सपोर्ट करते हैं या फिर मतलब कि कैसे रहता है आपका, कैसे आप टाइम निकालते हैं? फैमिली की सपोर्ट बिना कुछ हो नहीं पाता। सवेरे जल्दी उठ के लगभग जो मुझे कागज पत्र लिखने होते हैं वो 2 घंटे में करके, 2 घंटे लगभग सवेरे और 2 घंटे शाम उस काम के लिए निकालता हूँ। दिन में जब कोई अधिकारियों से छुट्टी के बाद अगर मिलना हो तो मिलके कोई रिप्रेजेंटेशन लेनी है, बैठक बुलानी है, तो उसमें काम करते हैं। परिवार का पूरा सहयोग रहता है। आज तक घर से इसमें पूरी सपोर्ट मिलती है। घर से सपोर्ट ना मिले तो आदमी ये अतिरिक्त काम तो क्या जो भी काम भी नहीं कर पाता। तो जब भी मैं कोर्टों में तारीख पर गया हूँ, लगभग मैं 100 से ज़्यादा बार कोर्टों में गया हूँ, कुरुक्षेत्र एनवायरमेंट कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, एनजीटी में और अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो सवेरे अगर हम 4 बजे तक निकलते हैं कोर्ट के लिए तो घर से खाना हमारा पैक ही होता है, और शाम को चाहे हम रात को 11 बजे पहुँचे 12 बजे पहुँचे, तो घर से सपोर्ट मिलती है तभी ये काम हो पाते हैं, अदरवाइज ये काम संभव। और सर हम देखते हैं कि जैसे रोड पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या सिर्फ के लिए गाय के लिए या जैसे और भी जानवर के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होते हैं, खुद भी उनको नुकसान होता है और किसी के खेत में जाते हैं वो मार के भगा देता है, वो किसी के खाना तो है उन्होंने, फिर वो आगे किसी के जाते हैं वहाँ से उनको मार खाते हैं वो। तो कैसे हम कहते हैं गौ हमारी माता है लेकिन हम इसके थोड़ा सा जैसे वन्य जीव है अपने इलाके में, हिरण है, एक्सीडेंट के मामले में हमने जब हाईवे पर एक्सीडेंट होते हैं तो बोर्ड लगवाया, आपने देखा होगा भरद्वाज जी साहब के बीच में कई बोर्ड है, रेलवे का फोटो सावधान लिखा हुआ है, वो बोर्ड लगाया था ताकि लोग अलर्ट हो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हमने कई बार लेटर भी लिखे हैं, वो जितने एक्सीडेंट हुए हैं इस रोड पर उनका आके इसे डाटा लेके उनको भेजा है कि आप रोड के अनुसार फेंसिंग करो। अभी लगभग 1 महीने पहले हम जो यहाँ स्थानीय सांसद माननीय सुनीता दुग्गल जी, उनसे मिले थे, उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप इधर से लेकर डबा लेकर दोनों साइड फेंसिंग करवाओ ताकि लोगों को जान माल का नुकसान ना हो, जानवर भी दुर्घटना में मौत का शिकार ना हो। दूसरे जो पशु है जैसे मेनका गांधी जी की संस्था से जुड़े थे तो उन्होंने हमें ये निर्देश दिया कि आप जो ओवरलोडिंग के होते हैं ट्रक वगैरह उनके केस वगैरह बुक करवाओ, कितने आपने FIR करवाई। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं समस्याओं को जड़ में जाता हूँ कि समस्या आ कहाँ से रही है। जैसे अगर कोई ओवरलोड ट्रक है तो उसको हम पकड़वाएंगे तो कानून इतना सख्त नहीं है, उसमें अगर हजी पशु लाते हुए हैं तो हम पुलिस को सूचना देंगे, पुलिस आएगी उन पशुओं को कहीं गौशाला में उतरवाएगी, पहली बात तो गौशाला मना करेगी, फिर पुलिस मशक्कत करके रिक्वेस्ट करके उनसे उतरवा देगी। तो कानून ये कहता है कि अगले दिन उनको सुपरदारी की जा सकती है। अब उसी ट्रक में अगले दिन उतने पशु लाते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है दूसरा पकड़वाने का। तो हम आउटपुट बेस्ड मैंने काम करके कोशिश करी कि कुछ आउटपुट आए। तो भरद्वाज जिले में जो अधिकतर पशु ओवरलोड होते थे पशु मेले में होते थे। जब 2012 में मैंने पहली बार पशु मेला देखा तो वहाँ पर पशु ओवरलोडिंग के अलावा और भी बहुत बुरा हाल था कि जो पशु धूप में खड़े होते थे उनके लिए कोई टेंट या छाया नहीं थी, कोई समुचित पानी की व्यवस्था नहीं थी, छोटे बच्चे थे वो धूप में मतलब परेशान होते थे और जिन पशुओं का देर ना पड़ी उनको मेले में लेके आते थे, और कई पशु जो ट्रक में नहीं करते उसके कोई डंडा घुसाना या 2 दिन तक दूर रोक के रखना बड़ा पीड़ादायक माहौल था वहाँ का। तो हमने वहाँ की व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए। तो जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता उसके बाद मेला बंद हो जाता था, एक पार्टी फोन करेगी बंद हो जाएगा, दूसरा फोन आएगा शुरू हो जाता था। तो हमने कहा इससे कोई फायदा नहीं है। तो मेनका गांधी जी से निवेदन किया, उनको समस्या बताई, उन्होंने कहा भी क्या क्या समस्या है, मेले में क्या होना चाहिए आप बताओ। तो मैंने एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया था, उसके हिसाब से मेनका गांधी जी ने जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया उससे नया कानून तैयार करवाया था, और उस कानून में कुछ जो इनपुट्स या कमेंट्स थी वो मेरे से भी मांगी थी, बताओ आप इसमें क्या होना चाहिए, वो हमने बना के भेज दी। तो 2017 में वो एक बार कानून पब्लिश हो गया था, लेकिन कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल है या
तमिलनाडु है उसमें विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें जो सरकार ने मेड़ों में स्लॉटिंग के लिए जो पशु जाते थे मेड़ों से वो प्रतिबंध लगा दिया था। वहाँ विरोध होने के बाद एक बार उस कानून को हटपर किया गया और 2018 में उसको दोबारा पब्लिश किया गया वो चीज़ें निकाल के। वो कानून पब्लिश होने के बाद हम स्टेट गवर्नमेंट से मिले, सीएम साहब से मीटिंग हुई, एक कमेटी बनाई गई, कमेटी में मैं मेंबर था। तो हरियाणा के मेड़ों में क्या क्या होना चाहिए वो हमने उसमें सुझाव दिए। सबसे पहले ये सुझाव था कि मेड़ों को किसानों और पशुओं के हित में लगाए जाए, वहाँ पर जो सुविधाएँ हैं वो किसानों के लिए की जाए और पशुओं के लिए की जाए। ये शेड बने, किसान रेस्ट हाउस बने, जो रैंप का पशुओं के वो बने, पानी की सुविधा हो, तो सारी इस तरह की सुविधाएँ हमने की जानता की व्यवस्था पहले करो। फिर जो विभाग है चाहे वो BDPO है, पंचायत विभाग है, चाहे पुलिस विभाग है, चाहे RTA है, चाहे पशुपालन विभाग है, उन सभी विभागों की ड्यूटियाँ सुनिश्चित करी जाए कि वो अपने उस मेले में आगे क्या क्या काम करेंगे ताकि पशु क्रूरता ना हो, सरकार को राजस्व का नुकसान ना हो और किसानों को सुविधा हो। तो उसमें हम कामयाब हुए, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी भी बना दी थी और उस पॉलिसी के बाद अभी क्योंकि कोरोना आ गया वो मेले भी लगने रहे हैं, उस पॉलिसी के बाद जो मेले लगेंगे उसमें हमारा यही पक्ष रहेगा कि वहाँ पर डांटा का सुविधाएँ फिक्स हो और मेला सुचारू रूप से नियमित रूप से कानून के दायरे में लगे, ये हम प्रयास करें। और अभी सर जो अपने यहाँ पे जो नियम है जो भी रहते हैं यहाँ पे उनका मतलब वो खाते कहाँ से है, पानी का वो सारा कैसे है? वैसे आप जंगली जानवर है ये सारे, इनकी आप कानूनन परिभाषा देखोगे तो जंगली जानवरों को किसी की मदद नहीं चाहिए, वो कुदरत पर निर्भर है। आप मोटे तौर पर बांटोगे तो जीव जो है तीन चार प्रकार से बांट सकते हो। एक तो हो गए पेट, पालतू जानवर जो आपके घर में होते हैं, कुत्ता बिल्ली आप बिल्कुल कमरे में रखते हो। एक वो होते हैं डोमेस्टिक जानवर जो आपके घर में बिल्कुल अंदर कमरों में नहीं होंगे लेकिन आपके चार दीवारी के अंदर होंगे, आपके आसपास होंगे, जैसे भैंस है, बकरी है, गाय है, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, ये डोमेस्टिक जानवर होते हैं। तीसरी प्रजाति आप देखोगे तो वो है वाइल्ड वन्य जीव, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है ना, आपकी चारदीवारी में भी हो सकता रहेंगे, खुले आसमान में रहेंगे, कहीं में रहेंगे, पेड़ों पर रहेंगे, आपके पास भी रहेंगे, आपसे दूर भी रहेंगे, लेकिन मानव धरती पर वो डिपेंड नहीं है। वो कुदरत से अपना आप घर बना लेंगे, कुदरत के अंदर कुदरत से खाना ले लेंगे, वो वन्य जीव में आते हैं। तो ये कुदरत से अपने आप इनको पता है कहाँ से क्या खाना पीना लेना है, कहाँ से अपने को घर बनाना है, घर बनाने के लिए जो अपने चीज़ें चाहिए वो कहाँ से लेनी है, वो सब उनको पता होता है। बस मानव उनको छेड़े ना तो अच्छी बात, वो अपना आप कर लेते हैं अपनी व्यवस्था। लेकिन हिरणों के लिए आवास अगर कम होता जा रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं लंबे समय तक संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ देख पाए, तो समस्या हटाई है, ट्रीटमेंट सेंटर एम्बुलेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लंबे चिरस्थायी जो संरक्षण है वो तभी संभव है जब इनका इलाका बचेगा। इन सालों में आपने देखा होगा कि सिंचाई के जो माध्यम बढ़ गए हैं, ट्यूबवेल की पाइपलाइन आ गई, तो जो अनइरीगेटेड लैंड होती थी जहाँ सिंचाई नहीं थी वहाँ पर सिंचाई होने लगी, किसानों ने अपनी खेती शुरू कर दी, तो इन जीवों का इलाका कम बच गया। तो मैंने 2018 से ये प्रयास करे थे कि अपने जिले में, हथौड़ा जिले में, हिसार जिले में जहाँ भी है जो जंगली जानवर जहाँ पर ज़्यादा है संख्या में, और वो संरक्षित कैसे हो सकती है। तो वन्य प्राणी जो संरक्षण कानून है 1972 का, उसमें संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के प्रावधान अलग अलग। आपने ममन सुना होगा कि नेशनल पार्क होता है, सेंचुरी होती है, लेकिन उसके अलावा उसमें 2002 में प्रावधान और भी आए थे कि अगर कोई सरकारी ज़मीन है और वहाँ पर बढ़िया प्रजातियाँ रहती है जीव जंतुओं की, उसको अगर रिजर्व करना चाहे सरकार तो कंजर्वेशन रिजर्व उसको घोषित किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इलाका है जो किसी समुदाय विशेष के स्वामित्व में है या पंचायत के स्वामित्व में है, उसको सरकार या उस समुदाय या पंचायत संरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहे तो उसका प्रावधान भी कानून में है, उसको सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 36C और D है उसमें ये प्रावधान है। तो मैंने उसी प्रावधान को लेकर DC उस टाइम माननीय JK अभेर जी थे उनसे मिला था, और यहाँ CMG जी अंजु आर्याद जी होती थी, उनको मैंने बताया कि बढ़िया कंसेप्ट है, इसका काम किया जा सकता है, अगर आप मदद करेंगे तो मैं इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने लगभग 30-40 पंचायतों के सरपंचों से बात करी और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के अधिकारियों को उसमें ऐड करा, ये नवंबर 2018 की बात है। फिर DC साहब के रिक्वेस्ट करके उन सरपंचों की लिस्ट बना के और उनको मीटिंग में बुलाया, 10 सरपंच आए थे, 3-4 गांव ऐसे लगे गांव जिनमें ज़्यादा दुर्लभ प्रजाति के जानवर रहते थे, जैसे कादलेडी में
इंडियन सॉफ्ट सैंड टर्टल यानी कछुए की दुर्लभ प्रजाति है, उनके सरपंच साहब से बात करी, गांव से बात करी, वो तैयार हो गए थे कि हम इसको रिजर्व करवा देंगे। लांगड़ गांव में काला हिरण है एक इलाके में, बिगड़ साइड में, वहाँ पंचायत जमीन थी, क्योंकि प्राइवेट जमीन हमें इन कार्यों के लिए मिल नहीं सकती, पंचायत उनके लिए तैयार हो गई थी। तो पंचायत, ग्राम पंचायत धांगड़, सरपंच प्रेम कुमार थे, वो सहमत हो गए कि हम हिरणों के लिए जमीन पंचायत की वो दे देंगे। इसी तरह ढाणी मात्रा गाँव है, वहाँ के सरपंच थे सुशील जी, तो वहाँ मोरों के लिए गाँव वालों ने बड़ी बढ़िया व्यवस्था करी है, जो 12 एकड़ में उनके लिए बढ़िया बनी है और दाना इकट्ठा करके, और हर साल वो गाँव वाले उनके लिए दाना डालते हैं मोरों के लिए, और मोर उस गाँव में घर में आंगन में चूल्हे तक भेजाते हैं। तो हमने ये सोचते भी ये लोग अपने आप करें तो सरकार की तरफ से थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, तो ये मोर हमेशा के लिए यहाँ बात रहेंगे। तो शुरुआती चरण में हमने 3 गांव का ये रिजर्व करवाने के लिए बीड़ा उठाया। मैंने 3 महीने आयुर्वेदिक का पास लिया मेरे विभाग से, और इन 3 गांव की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पंचायत की सहमति, डिजिटल मैप, डीसी की सहमति, एमएलए सहमति, वो सारे कार्य तैयार करवा के प्रॉपर चैनल डीसी के माध्यम से वन्य प्राणी विभाग को भिजवाया। लगभग 6 महीने बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो रिजर्व हो गए थे। अभी उनकी मैनेजमेंट कमेटी बनी है और इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। रिजर्व एरिया जैसे हरियाणा में अगर आप देखोगे तो हिरणों की प्रजातियाँ, अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती थी पहले, लेकिन अब कुछ हजार ही बचे हैं। तो एक तिंकारा हिरण होता है, काला हिरण होता है। काला हिरण वो लगभग अपने इलाके में पाया जाता है हर साल में, लेकिन तिंकारा हिरण को ज़्यादा बैरलैंड यानी कि टिब्बा कहलाकर चाहिए, भिवानी जिले में पाया जाता है। भिवानी जिले के गांव है, दो बिजनोइयों के गांव है, लीलस और श्रीनिवास, उन 2 गांव में तिंकारा हिरण है, और हरियाणा में तिंकारा हिरण वही बचे हैं। तो हमने उनके संरक्षण के लिए गाँव से बात करी, ग्राम पंचायत और वहाँ के जो प्रधान जी हैं हमारी संस्था के ब्रह्म सिंह जी, उन्होंने प्रयास करे, और वो उन्होंने अपनी 40 एकड़ जमीन उन पंचायत की जमीन उस इलाके में वो ऑफर करी है चिंकारा के संरक्षण के लिए। आदमपुर यानी हिसार जिले में एक चौधरीवाड़ी गांव है, उस गांव में भी लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा जमीन ऐसी बनी है जो जहाँ काफ़ी वन्य जीव जैसे कि लोमड़ी है, काला हिरण है, मोर है, वो पाए जाते हैं। तो उन्होंने भी हमारे निवेदन को स्वीकार किया और 50 एकड़ जमीन वन्य जीवों के लिए संरक्षित करने के लिए उन्होंने दी है, जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिजिटल में बनाने का कार्य प्रगति पर। सर आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो कभी तो मुसीबत का सामना करना पड़े, कभी दिल आ गया कि निंदा से आप छोड़े या फिर मैं कि नहीं करूँगा कि ऐसा कभी कुछ हुआ? कितने दिन कामों में आती है, जिस तरह मेरे गाँव में ये 2 एकड़ जमीन है रिजर्व कराने की बात आई, तो गांव से कुछ लोगों ने सोचे कि विकास होता होगा, लेकिन जो चैलेंजेस आते हैं वो बढ़ने के लिए आपको ज़्यादा हो सकते हैं। अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे शुरुआत से या जिंदगी में तो आप अपने आप को मजबूत करके नहीं कर पाओगे। तो मैं शुरुआत में चैलेंजेस आए, रेड कार्ड जब पक्के मैंने करवाया था भी आए थे, या जब मैंने कैटर फेयर की बात करी वहाँ पर भी जो कुछ तस्कर लोग थे और थे, उन्होंने अलग अलग षड्यंत्र रचे, आरोप लगाए, वो अपने प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो हमें चैलेंजेस जो है वो अच्छी तरह सुनहरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए उकसाती है, और चैलेंजेस को मैंने पॉजिटिव में लेते हुए अपने आप को एक सांचे में डालते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। और चैलेंजेस के साथ साथ मुझे शौक बहुत मिला है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि विद्रोही समाज या गुरु महाराज की जो शिक्षा है वो मुझे प्रेरित करता रहता है। समाज से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे आर्थिक रूप से शौक करा, मानसिक रूप से करा, सामाजिक रूप से करा, कभी भी मैं कोर्ट में तारीख पर गया अकेला नहीं गया, समाज के 2-4 लोग साथ होते हैं, उनका साथ ही मुझे लगातार प्रेरित करता रहता है। जो गुरु महाराज की शिक्षाएँ हैं उसी के कारण हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है वो ये देखी कि बेजुबान है ना, इनमें खुद में कुछ ताकत है, मेरी कोई ताकत नहीं थी कि मैं कुछ निर्णयों के लिए 2 सेकंड छुड़वा पाऊँ या रिजर्व करवा पाऊँ, ये इनकी ताकत है। गुरु महाराज ने मुझे दायित्व दिया तो जिनका शौक चाहिए था मुझे इसे लिखाई का चाहिए, समाज के आदमी का चाहिए, वो साथ गुरु महाराज ने अपना साथ दिया, उनको भेजते रहे गुरु महाराज, उनका साथ मिलता रहा और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा है कि आपने अपने घर पर सभी फ्रूट के पौधे भी लगाए हुए हैं, देखो सभी फ्रूट हैं आपके, 2-4 पौधे हैं सब्जी कुछ लगा रखी है, तो ये सब इनकी देखभाल खुद करते हैं या कुछ आपने रखा हुआ है? मैंने जो घर में या खेत में जो फ्रूट पौधे लगे हैं वो घर में आप अधिकतर पौधे वो देखोगे जिसमें बस ये घोंसला बना सकते हैं,
तो जैसे मैंने बताया कि वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है कि हम पक्षियों को बसों के ऐसा माहौल दें कि वो अपना जीवन यापन या वो अपना अपने आप को मल्टीप्लाई या सुरक्षित महसूस या आवास उनको मिल सके, सुरक्षित महसूस कर सके। तो अधिकतर जो पक्षी है मेरे खेत में पाए जाते हैं, खड़ा अधिकतर जो रहना का राजा पक्षी है, कम से कम मैंने 10 से ज़्यादा बार ये देखा है कि वो अपने जो मैंने खेत में बेल लगा के उसमें अंडे देंगे और अपने बच्चों को पाल पोस के वास्ते उड़ा करके उड़ाते हैं। तो दुर्लभ प्रजाति के ही है वो। ये पेड़ पौधे मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि वो पक्षी इसमें आवाज बना सके और खेत से जो फ्रूट्स है वो कुछ हिस्सा वो खा सके और अपना जीवन यापन कर सके। सर आप हमारी ऑडियंस को कुछ संदेश देना चाहते हो नौजवान पीढ़ी को कि जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार रखें, और आपके अगर कुछ सहयोग की जरूरत हो तो वो कैसे मिलें, कैसे आपसे बात करें? वो युवा पीढ़ी या जो आज की जो जीव प्रेमी लोग हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे आप इस साल आपने देखा होगा या गत वर्ष भी कोरोना के कारण हम घरों में बंद हो गए थे, तो कुदरत है वो अपने को अपने औकात बताई देती है कि हमारे औकात क्या है। तो हमें कुदरत का सम्मान करना चाहिए, वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। इस साल जैसे लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से पर्यावरण शुद्ध हुआ और बारिश अच्छी हुई है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग या हम देख रहे हैं कि 20-25 सालों में इतनी अच्छी बारिश नहीं हुई थी जो हमारे इलाके में इस बार हुई है। उसका कहीं ना कहीं ये कारण है कि हमने अपने आप को कोरोना के कारण सीमित किया तो कुदरत ने अपना अच्छा रूप वो हमें दिखाया है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए और हमें वन्य जीवों की रक्षा शब्द वन्य जीवों के मामले में रक्षा शब्द वो उठाना पड़ेगा, क्योंकि वन्य जीवों की रक्षा के मामले में हम ये सोचते हैं कि कोई घायल हो हम उसको उठाएं, हम उसका ट्रीटमेंट करें, हॉस्पिटल में लेके जाएं, गाड़ी में चलाएं, वो सारी जो एक्सरसाइज है उसके कारण ये मरते हैं ज़्यादा। तो हमें वन्य जीवों के मामले में संरक्षण यानी कि उनको ऐसी दिक्कत आए नहीं, वो घायल ही ना हो, उनको उपचार की जरूरत ना पड़े, जरूरत पड़े तो वो हमारे पास उचित व्यवस्था हो वो हम करें और वन्य जीवों का आवास है वो बचाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जो हैबिटेट है जिसमें वो रहते हैं उसको सुरक्षित किया जाए और ध्यान दिया जाए। इस बारे में कोई भी अगर वन्य जीव प्रेमी को मार्गदर्शन चाहिए मदद चाहिए उसके लिए हम तैयार रहते हैं, उनको बताते भी है और लोग आजकल मानते भी है। जिस तरह कई बार क्या होता है कि कोई हिरण या नीलगाय है वो अपने बच्चे को छुपा के जाती है, हम अनजाने में अगर उसके पास ले जाए तो वो कई बार खड़ा हो जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि माँ इसको छोड़ के चली गई। लेकिन वन्य जीवों के मामले में आप देखोगे तो माँ ज़्यादा चिंतित होती है अपने बच्चों को बचाने में, वो अटैक भी कर देती है दुश्मन पे, तो हर प्रयास हम लोग करती है छोड़ के कभी नहीं जाती। अगर हम उस बच्चे को उठा के नहीं लाएंगे तो माँ जरूर आके संभालेगी उसको, एक या दो घंटे बाद वो चलेंगी फलेंगी जाती है। तो हमें वन्य जीवों के मामले में संरक्षण का प्रयास करना होगा, उनको उचित माहौल देना होगा, माहौल देंगे उनके आवाज़ को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को देख पाएगी। अगर हम जीवन का साथ दिया कि कोई घायल हो जाए फिर उसको बचाएंगे आगे निकलें तो वो ज़्यादा सार्थक नहीं है, हमें घायल ना हो ये प्रयास करने चाहिए। सर आप हमें ये कहिए कि आपको जो ये नेक काम कर रहे हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि जो भी हम काम करते हैं या तो हम किसी को अपना गुरु मानते हैं या किसी से हमको देखते हैं उसको, तो आपको ये कहाँ से एहसास हुआ कि मुझे रस्ते पर चलना चाहिए? ये सर आप कहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बिजनोई है और बिजनोई पंत अपने आप में गुरु महाराज ने बनाया था, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान ही पर्यावरण एवं जीवों के संरक्षण पर दिया है। ये जीवों पर दया करनी, जीवों को मारना नहीं, हत्या नहीं करनी, पेड़ पौधे नहीं काटने, तो वैसे हमारे खून में या वर्षों में ही ये शिक्षा चली आ रही है। और दुनिया में जो सबसे बड़ा उदाहरण है जो 363 शहीद हुए थे बिजनौई समाज में, हम उनके अनुसर गए। तो हमारे अंदर शुरू से यही है कि हमें जीवों को बचाना है, वैसे हमने प्रेरणा ली गुरु महाराज की शिक्षा से ली, उन शहीदों से ली। और अभी तक आपने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं वन्य जीवों के संबंध में, उनकी रक्षा के लिए, वो सर आप बताइए। वन्य जीवों के संबंध में पहली उपलब्धि हमारी ये रही है कि बड़ोपल का जो इलाका है जो न्यूक्लियर प्लांट ने एक बार किया था वो अभी तक इन्हों के लिए सुरक्षित है, लेकिन वो अभी तक संरक्षित होना बाकी है जिसके लिए प्रयास जारी है। इसके अलावा 3 रिजर्व एरिया जो हरियाणा के, हरियाणा में पहले 10 प्रोटेक्टेड एरिया थे उसमें 3 जो एड और हुए हैं वो फुटा जिले के हुए हैं, वो मैंने प्रयास करे थे उसके लिए सार्थक प्रयास। और जो लाइफ स्टॉक मार्केट वाला सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पब्लिश हुए थे उसके लिए प्रयास करे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से जो कैटल फेयर पॉलिसी बनी है वो हमने प्रयास करके बनवाई है, हमारे जो डिवीज़न है हिसार डिवीज़न
उसमें ब्लैक कार पहले हजार जिलों में बैन हुए, बाकी जिलों में हमने बैन करवाए हैं और उन ऑर्डरों को हम लागू करवा रहे हैं। इसके अलावा जो वन्य जीवों को घायल करने के लिए या खदेड़ने के लिए खेतों में टोपीदार बंदूक के साथ रखवाले रखते हैं लोग एक जाति विशेष के होते हैं, तो हम लगभग डेढ़ साल से प्रयास करें वो टोपीदार बंदूक हम टोटली उनके लाइसेंस रद्द करवा रहे हैं। कमिश्नर से मिले थे, कमिश्नर साहब ने आगे सभी डीसीज को आदेश दे रखा है कि इस पर उचित कार्रवाई करके बताया जाए। एक एम्बुलेंस हम रन कर रहे हैं, आगे हम हमारा प्रयास ये है कि गुड़ोपुर गाँव में वो जल्दी ट्रीटमेंट सेंटर बन जाए, तो हम उपलब्धि अभी तक ये है, लेकिन आगे हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो डिवीज़न है हिसार डिवीज़न, उसके जो चार जिले हैं जो राजस्थान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ लोग लंबे समय तक बचा रहे, उसके लिए हम इन चारों जिलों में लगभग 100 गाँव में रेस्क्यू टीम बढ़ा रहे हैं। अगर कोई भी जानवर घायल हो जाए तो उसको घायल जानवर को तुरंत इलाज मिल सके, फर्स्ट एड मिल सके या ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाया जा सके, इसलिए हम गाँव वाइज एक टीम बढ़ा रहे हैं जिसमें जो गाँव के प्राइवेट पशु चिकित्सक है उसको हम अपनी संस्था से जोड़ के और उनको ट्रेनिंग देंगे दो प्रकार से कि आप जानवर को हैंडल कैसे करेंगे, यदि कोई जानवर घायल मिले आपको तो उसको रेस्क्यू करना कैसे है, तो वन्य प्राणी विभाग से हम उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि वो जाते उस जानवर को डील करें, अगर कोई लोग शोर कर रहे हैं या उसको गलत तरीके से पकड़ रखा है तो उसको समझाए, उसको डील करें। फिर डील करने के बाद उसको कम चोट लगी है या ज़्यादा लगी है तो वीएस से डिस्कस करके और उसको फर्स्ट एड देगा। वो फर्स्ट एड देने के बाद अगर वो रिलीज करने लायक है तो रिलीज कर देगा, अदरवाइज वो वीएस से डिस्कस करके वन्य प्राणी विभाग से तालमेल करके उस पशु को ट्रीटमेंट सेंटर में भेज देगा। एक तो हम ये रेस्क्यू सेल बना रहे हैं, दूसरी अगर कोई शिकार की घटना हो, क्योंकि हमारे जो बिश्नोई समाज से लोग हैं वो ज़्यादातर किसान वर्ग से यानी अनपढ़ है, उनको कंप्लेंट या गवाही है उससे कोई मतलब नहीं होता कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे, उनका जोर ये होता है कि शिकार हो गया तो मामला दर्ज करवाएं। अब मामला दर्ज करवाने में सबसे बड़ी चूक ये रहती है कि हम गवाही या जो कंप्लेंट है वो ढंग से नहीं दे पाते, तो हम एक लीगल सेल बना रहे हैं, जब भी कोई शिकार की घटना होगी तो हमारे जो वकील होंगे या जो एक्सपर्ट आदमी है जिनको शिकायत को ड्राफ्ट करना आता हो, गवाही को ड्राफ्ट करना आता हो, वो उन लोगों को जो परिस्थिति है उसको समझ के वो उसमें मदद करेंगे हम, और जो गवाह या शिकायतकर्ता बनेगा कोर्ट तक आने जाने में उसको कोई बस का किराया है या गाड़ी की व्यवस्था है या उसकी सुरक्षा व्यवस्था है वो हम सुनिश्चित करेंगे। तो आने वाले टाइम में हम ये चाह रहे हैं कि हर ज़िले में इस तरह गाँव वाइज एक रेस्क्यू टीम बने, शिकार के मामलों पर हम प्रतिबंध लगाए, शिकार हो जाए तो जो कोर्ट केस है उनको हम ट्रैक करें और जो शिकायतकर्ता है गवाह है उसकी हम मदद करें। इसके अलावा जन जागरण अभियान चलाएंगे, कथाओं के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से, लोग कोई गलत काम कर रहे हैं तो बुलेट कार लगा रहे हैं, खेतों में करंट लगा रहे हैं तो उनको समझाएंगे, और सरकार से भी मांग करेंगे कि ऐसे एरिया जो रिजर्व घोषित होते हैं जहाँ पर वन्य जीव ज़्यादा है उन एरिया के आसपास यदि किसानों को नुकसान होता है तो उनकी भी सुनी जाए, उनको कोई मुआवजा दिया जाए या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए, तो हम बीच का काम कर रहे हैं नुकसान भी ना हो और वन्य जीवों की सुरक्षा भी हो सके। इस तरह हम आगे का एक प्रारूप हमने तैयार किया है तो वो हम करने जा रहे हैं। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जो काम आपने सब सोचा है इसमें आपके साथ सरकार खड़ेगी टूटेगी, उसके लिए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो दो प्रकार से भाग में बंटा हुआ है, एक तो सरकारी विभाग जो काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट या मंत्रालय जो कर रहा है, एक है आम जनता पर जो रिलीजियस बेस्ड यानी कि फेथ बेस्ड कंजर्वेशन बोलते हैं उसको, कि धर्म के आधार पर जो लोग वन्य जीवों को बचाते आ रहे हैं जैसे जैन समाज है, बिश्नोई समाज है, तो सरकार डिपार्टमेंट में जो लोग आते हैं उनकी रुचि होती है नौकरी लेने की, उनमें से कुछ लोगों में नौकरी में आने के बाद ट्रेनिंग लेने के बाद रुचि पैदा हो जाती है जानवरों के प्रति, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई रुचि नहीं होती और वो सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब रखते हैं। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा पक्ष है कम्युनिटी उसको साथ लिया जाए और कम्युनिटी बेस्ड जो कंजर्वेशन है उस पर ध्यान दिया जाए। हम इसके लिए जो हरियाणा सरकार से मीटिंग भी कर चुके हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से मीटिंग हुई थी, हमारा ये मानना है कि जो कम्युनिटी जो ऑलरेडी जो इन्वॉल्व है वन्य जीवों के संरक्षण में उनको सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली, या उनको कोई संसाधन देने हो, ट्रीटमेंट सेंटर बनाना हो, एम्बुलेंसेज देने हो, कोई ट्रेनिंग देनी हो वन्य जीवों रेस्क्यू के संबंधित, तो सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे दर्शकों से मुखातिब होने का अवसर दिया और वन्य जीवों के संरक्षण का जो संदेश है वो सब तक पहुँचाने का मौका दिया। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर आपका कि आपने हमारी ऑडियंस को ये सब बताया। हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ आपने बताया है, जो हमारे दर्शक हैं वो सुन रहे हैं और आपके साथ आपके टीम में भी शामिल होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, इस शो में अभी तक इतना ही, हम आगे मिलेंगे, तब तक के लिए।